हेलो स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो में रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ मार्कोन को और एंटी मार्कोन को रूल सीखेंगे, ठीक है ना, कि ये कैसे फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या लेते हैं, देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ मार्कोन को रूल स्टेप वन में देखिए क्या होता है। इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो देखिए अल्कीन रहता है, अल्कीन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर कर देता है अल्किल हैलाइड को, तो क्या कर लेता, फॉर्म कर लेता कार्बोकटायन फॉर्म कर लेता। ठीक है, अल्किन क्या ले ली, ये देखिए क्या है, ये अल्किन है। ठीक है, प्लस क्या लिए आप, एच एक्स लेते हैं। ठीक है, एच एक्स लिए, तो ये क्या करेगा, ये जो सपोज करिए ये है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को शेयर कर देगा, जिससे ये क्या करेगा, जो हैलाइड रह गई ये निकल जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, समझ रहे हैं, जो हैलाइड रहेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा और ये शेयर कर देगा। तो आपका देखिए क्या फॉर्म हो जाएगा, आपका ये फॉर्म हो जाएगा C, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे, तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला है, यहाँ पे कितना हो जाएंगे इसके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये देखिए कौन सा अल्कीन है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए सेकेंड स्टेप पे क्या होता है, इसमें सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकेंड में क्या होगा, जो ये कार्बोकटायन है, जब ये हैलाइड आयन से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म कर लेगा क्या, हेलो अल्किन फॉर्म कर लेगा, अल्किल हैलाइड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, यहाँ पे देखिए ये था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जब ये क्या करेगा, ये जो हैलाइड आयन है ये इस पर रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर लेगा, आपका अल्किल हैलाइड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स ये फॉर्म कर लेगा अल्किल हैलाइड, लेकिन ये किसके लिए था, ये सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए था। अब देखिए इन केस ऑफ असिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इन केस ऑफ असिमेट्रिकल अल्कीन, इन केस ऑफ असिमेट्रिकल असिमेट्रिकल अल्कीन ना, अब देखिए असिमेट्रिकल अल्कीन के केस में तो देखिए क्या होता है, सपोज करिए यहाँ पे दो कंडीशन फॉर्म होंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये अल्कीन है, अभी देखिए असिमेट्रिकल अल्कीन लीजिए, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड, ये देखिए CH2, ये देखिए क्या है, असिमेट्रिकल अल्कीन है। अब देखिए ये क्या करेगा, जब ये एच पॉजिटिव से क्या करेगा, प्रोटॉन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एच पॉजिटिव, ठीक है, एच पॉजिटिव, ये ऐसे देखिए इसलिए यहाँ पे देखिए राइट कर रहा हूँ, क्योंकि आपका हैलाइड आयन ऐसे रहा होगा, देखिए ये एच है ये एक्स है, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये ना राइट करिए, मैं ये राइट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यही देखिए मैं राइट कर रहा हूँ, तो देखिए अब इसमें दो कंडीशन बनती है, इसमें देखिए एक कंडीशन क्या बनेगी, इसमें देखिए एक कंडीशन क्या बनेगी, एक कंडीशन बनेगी कि अगर ये देखिए यहाँ पे है, ये क्या करे, इस पर क्या करे, अटैच्ड कर दे, ठीक है, या फिर ये वाला जो है, ये वाला ये इस पर अटैच्ड कर दे, तो चलिए देखिए पहले ये राइट करते कंडीशन, CH3 CH, यहाँ पे देखिए CH है, ये क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर देखिए पहले कंडीशन में क्या हुआ है, पहली कंडीशन में यहाँ पे ये था, पहली कंडीशन में ये वाला जो हैलाइड है ये वाला कार्बन इस पर अटैच किया, ठीक है, जब इस पर अटैच करेगा तो ये क्या कर लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा, बॉन्डिंग कर लेगा, तो वो देखिए ये आपका ये कार्बोकटायन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन यहाँ से आपकी बनती है, यहाँ से क्या करेगा, ये इस पर अटैच करे, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए CH2 यहाँ पे कार्बोकटायन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, इन
इन केस ऑफ असिमेट्रिकल अल्किन की केस में, ठीक है। अब देखिए सेकेंड डिग्री कार्बो कटायन मोर स्टेबल होता है या फिर वन डिग्री कार्बो कटायन मोर स्टेबल होता है, तो कौन सा होता है? तो ये देखिए क्या है, सेकेंड डिग्री कार्बो कटायन, ये देखिए टू डिग्री कार्बो कटायन है, टू डिग्री कार्बो कटायन है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ये देखिए ये वन डिग्री कार्बो कटायन, ये वन डिग्री कार्बो कटायन है, वन डिग्री कार्बो कटायन है। तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो टू डिग्री कार्बो कटायन होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो ये क्या है, मोर स्टेबल है, और ये क्या है, ये लेस स्टेबल है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे इतना आप लोग क्लियर हो गया ना, इन केस ऑफ असिमेट्रिकल अल्किन में क्या करेगा, दो केसेस बनेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या लेंगे आप लोग, प्रिफर करेंगे इसको, ठीक है, जो मोर स्टेबल रहेगा उसी को प्रिफर करेंगे। तो आप देखिए इसमें स्टेप वन में यहाँ पे ये सीख गए, ठीक है, स्टेप वन में ये देखिए हुआ था, स्टेप टू में क्या हो जाएगा, स्टेप टू में देखिए क्या होगा, स्टेप टू में देखिए आप इसको प्रिफर करिए, ठीक है, जो सेकेंड डिग्री कार्बो कटायन, देखिए क्या करेंगे, सी एच थ्री, यहाँ पे ये सी एच है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, सी एच थ्री। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्स निगेटिव थी, ठीक है, एक्स निगेटिव थी, तो यहाँ पे क्या करेगी ये, इससे रिएक्शन यहाँ पे क्या करेगी, आकर के इस पर रिएक्ट कर देगी, ठीक है, यहाँ पे इसका रिएक्शन यहाँ पे होगा, तो आपकी फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगी, सी एच थ्री, ये देखिए सी एच यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी सी एच थ्री। तो देखिए सेकेंड डिग्री हैलाइड आपको मिलेगी, समझ रहे हैं, सेकेंड डिग्री हैलाइड आपको मिली, तो ये क्या होगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये मेन प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। आप इसको क्या लिए, एच बी आर लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज करिए आपने एच बी आर लिया है, तो यहाँ पे बी राइट कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये ब्रोमीन क्या कर देगी, इस पर अटैच कर देगी, ठीक है, तो ये भी सही, यहाँ पे क्या कर लिए, बी आर, यही क्या आपका क्या रहेगा, ये आपका ये मेन प्रोडक्ट रहेगा, समझ रहे हैं ना, यही देखिए मेन प्रोडक्ट, हाँ। तो चलिए देखिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आप सभी लोग को, देखिए इसमें क्या है, हाँ, तो पहले देखिए, पहले में क्या लिए थे, पहले सिमेट्रिकल अल्किन लेते हैं मार्कोन को रूल में, ठीक है, इसमें देखिए क्या कि एच एक्स से रिएक्शन कराते, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा और इससे बॉन्डिंग कर लेगा, इसलिए जो हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हैलोजन है इस कार्बो कटायन पर रिएक्ट करके क्या कर लेती है, फॉर्म कर लेती है अल्किन हैलाइड, ठीक है, पहला दो समझ में आ गया। बट देखिए असिमेट्रिकल अल्किन के केस में क्या बनते हैं, दो केसेस बनती है, ठीक है, दो केसेस में क्या बनते हैं, जो ये कार्बन है, अगर ये कार्बन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ये वन डिग्री बनता है। अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की इस हाइड्रोजन पे, तो क्या होता है, टू डिग्री कार्बो कटायन फॉर्म होता है। तो आप लोग जानते हैं टू डिग्री कार्बो कटायन मोर स्टेबल होता है, ठीक है, तो आप प्रीफर करेंगे टू डिग्री कार्बन को, तो यहाँ पे देखिए टू डिग्री कार्बो कटायन को क्या करेगा, जो यहाँ पे हैलाइड आयन रहेगा, हैलाइड आयन उसी से रिएक्ट करके अपना अल्किन हैलाइड यही एज ए मेन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना आप लोग को, ओके, इसको इरेज कर दें। चलिए अब देखते हैं इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिको रूल, समझ रहे हैं, इसको देखिए इरेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिको रूल, इसको क्या कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, खराश इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो एडिशन ऑफ किसकी होती है, जो द एडिशन ऑफ एच बी आर टू एल्किन्स, जो एडिशन होता है एच बी आर एल्किन्स होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके होता है, पेरोक्साइड की होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। तो यहाँ पे इतना राइट कर लीजिएगा आप लोग, द एडिशन ऑफ एस बी आर टू अल्कीन इन द टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ देखिए क्या होता है, द एडिशन ऑफ एस बी आर टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ऑकर बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पेरोक्साइड occurs by free radical mechanism, हाँ चलिए देखिए राइट कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, द एडिशन ऑफ एस बी आर टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स ऑकर बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखिए क्या होता है, अगर एच बी आर क्या करता है, अल्कीन पर ऐड करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी पेरोक्साइड लेते तो उसमें कौन सी मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट मीन्स जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी उसमें क्या होगी, होमोलिसिस होगी। ठीक है, तो इसमें चलिए स्टेप वन वन बाई वन स्टेप देखते हैं। तो कैसे यहाँ पे ये फॉर्म होता है एंटी मार्कोन का रोल, देखिए स्टेप वन में क्या होता है, स्टेप वन में आपने क्या लिया, आपने बेंजोइल पेरोक्साइड लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड लेंगे। देखिए क्या है, C6H5C डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, यहाँ पे भी देखिए C डबल बॉन्ड ओ C6H5। तो देखिए ये लेंगे ना, यही था। तो इसका देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप लोग क्या कराएंगे, होमोलाइसिस कराएंगे। ठीक है, होमोलिसिस होती, तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका इलेक्ट्रॉन ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन के लेकर चला जाएगा। ठीक है, इसको हाफ के रूप में दिखाइएगा, ये हाफ स्पिन रहेगी। ठीक है, कि ये नहीं कि आप ये फुल करेंगे, फुल क्या शो करता है कि वो टोटल इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है। ठीक है, आप हाफ ही शो करेंगे। ठीक है, तो आपकी देखिए क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, देखिए टू क्या हो जाएगा, C6H5C यही होगा ना, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन, ये देखिए फ्री रेडिकल है। ठीक है, इतना देखिए फॉर्म होगा। फिर से फर्दर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ये है CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बेंजीन यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए क्या निकलेगा, 2 मोल्स ऑफ C6, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, रुके रहिए यहाँ पे, देखिए क्या फॉर्म कर लेगा, 2 मोल्स ऑफ C6H5, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O फ्री रेडिकल। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है। अब क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ठीक है, तो आपका देखिए क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद 2 मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, C6H5 के क्या फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, प्लस 2 मोल्स ऑफ CO2 ये बाहर निकल जाएगी। इतना समझ में आया ना, क्या लिए, इसका क्या नेम है, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, क्या है इसका नेम, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे, होमोलिसिस कराएंगे, तो क्या बनेगा, ये देखिए फॉर्म होगा। फिर इसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल जाएगी, आपका क्या बन जाएगा, ये बेंजीन फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब देखिए बेंजीन फ्री रेडिकल में क्या होता है, होमोलिसिस अगर कराते हैं तो क्या होता है, देखिए क्या है, C6 क्या है, ये H5 ये फ्री रेडिकल, बेंजीन फ्री रेडिकल है, प्लस H क्या है, ये आप Br लिए हैं। ठीक है, HBr आपको लेना ही है। ठीक है, ये कंडीशन रहती है। अब देखिए इसमें क्या कराते हैं, होमोलाइसिस इसमें भी कराते हैं, होमोलाइसिस कराएंगे यहाँ पे, ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ये ब्रोमीन ले लेगी, ये इस J ले लेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, जो ये रहेगा ये कहाँ पर आ जाएगा, ये इस पर आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए आपकी रिजल्टिंग देखिए क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, तो ये देखिए इस पर आ जाएगा, ये देखिए C6H5 ये फॉर्म हो जाएगा, C6H6 ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, बेंजीन फॉर्म हो जाएगा C6H6, प्लस क्या हो जाएगा, Br ये फ्री रेडिकल आपका निकल जाएगा। इतना समझ में आया ना। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, अगर आप लोग क्या करते हैं,
अनसमेट्रिकल अल्किन लेते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, दो कंडीशन बनती है, ठीक है। स्टेप वन में ये लिए थे, स्टेप टू में ये आपका ये हो गया था स्टेप टू, ठीक है। अब देखिए स्टेप थ्री में क्या होता है, स्टेप थ्री में ये देखिए क्या हुआ था, अगर आपका लिए ये देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इस कंडीशन में, उस कंडीशन में आपने मार्कोन को रूल में भी लिया था, इस कंडीशन में भी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए इसके पास कितना, दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अपना इलेक्ट्रॉन की इस साइड भी ये ले लेगा और ये इस साइड ले लेगा। इतना समझ में आ रहा है ना। इसमें देखिए अगर और क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो बी आर यहाँ पे है, ये बी आर क्या करेगा, अटैच कर सकता है। ये देखिए बी आर, ये फ्री रेडिकल है, इसकी कंडीशन अब या फिर ये इस पर अटैच करे या फिर इस पर अटैच करेगा, ठीक है। तो पहले कंडीशन में देखिए इसमें भी दो कंडीशन हो जाएंगी यहाँ पे, देखिए पहली कंडीशन में कहाँ पे अटैच कर रहा है, सपोज करिए ये वाला इस कार्बन पे अटैच कर रहा है, देखिए इसको मैं ऐसे बता दे रहा हूं, देखिए CH3 ये क्या है, ये देखिए CH क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए नहीं है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा CH2, ये क्या हो जाएगा BR हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए पहली कंडीशन में क्या था, जो ये BR फ्री रेडिकल था जब इस पर क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। अब दूसरी कंडीशन में यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्या है, ये BR यहाँ पर अटैच कर रहा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, देखिए CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे ये BR अटैच हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी दो कंडीशन है ना, तो यहाँ पे देखिए जब दो कंडीशन है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 डिग्री क्या है फ्री रेडिकल एंड ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, तो आप लोग जानते हैं ये क्या है, देखिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, रेडिकल देखिए क्या है, ये सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल है, ये क्या होता है मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल ना, और ये देखिए क्या है 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये क्या होता है लेस स्टेबल है, ये क्या है 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है, समझ रहे हैं। तो क्या आप लोग प्रीफर करेंगे, आप लोग क्या प्रीफर करेंगे, ये जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है इसी को आप लोग हमेशा प्रीफर करेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या हुआ था यहाँ पे, इतना तो समझ में आ गया था, अब देखिए 2 डिग्री क्या हुआ फ्री रेडिकल आप लोग लिए, ठीक है। तो अब देखिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल में किससे रिएक्शन कराएंगे, स्टेप 4, इसको मैं इरेज कर दूं ऊपर, चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, देखिए इतना समझ में आ जाएगा, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, हाँ देखिए स्टेप 4 में क्या हुआ था। अब देखिए फर्दर देखिए कौन से स्ट्रक्चर आप लेंगे, ये चूज करेंगे, ठीक है। स्टेप 4 मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखिए स्टेप 4 में देखिए क्या होता है, आपने क्या लिया था CH3 CH, यहाँ पे क्या है, ये देखिए CH3 क्या है CH फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या है CH3 है, CH2 BR, ये CH2 ये BR है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें किससे रिएक्शन कराएंगे, HBr से, किससे करा रहे हैं HBr से, देखिए HBr से करा रहे हैं रिएक्शन, तो देखिए क्या फॉर्म हो रहा है इसमें, देखिए यहाँ पे भी यही होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये अपना ले लेगा, ये अपना लेकर के चला आएगा। अब यहाँ पे क्या टेस्ट होगा, यहाँ पे Br है तो ये देखिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जब ये फ्री रेडिकल आएगा तो हाइड्रोजन किस पर अटैच करेगा, यहाँ पे ये अपना इस पर क्या हो जाएगा, इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। जब इस पर अटैक करेगा तो आपकी क्या हो जाएगी रिजल्टिंग, देखिए क्या फॉर्म हो जाएगी स्ट्रक्चर, यहाँ पे CH3 CH2, ये हो जाएगा CH2 ये BR प्लस, यहाँ पे देखिए जो ये BR का था आया था आपका ये निकल गया, समझ रहे हैं ना, हाँ। तो देखिए पहले क्या किए थे, आपने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था, उसका होमोलिसिस कराएं तो देखिए ये स्ट्रक्चर बनती, फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल जाती है तो ये बेंजीन
ये फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, बेंजीन फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, एच बी आर से करता है तो ये बेंजीन निकल जाता है और ये बी आर देखिए क्या हुआ यहाँ पे आपका बच रहा, ठीक है ना, एज ए कैटेलिस्ट लिए थे तो देखिए यहाँ पे बी आर ये हुआ। बी आर क्या किया आपने, अनसिमेट्रिकल अल्किन लिया, अनसिमेट्रिकल अल्किन क्या कर रही है, दो कंडीशन बनेगी, या फिर इस पर अटैच करें या फिर इस पर अटैच करें। तो यहाँ पे देखिए सपोज इस फ्री रेडिकल पे अटैच किया तो ये सेकेंड डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है वो मोर स्टेबल होता है, वन डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है लेस स्टेबल होता है, तो इसलिए आप क्या प्रीफर करेंगे, टू डिग्री फ्री रेडिकल प्रीफर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किए, जो हाइड्रोजन इस पर अटैच हो जाएगी और जो ब्रोमीन था ये यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए ब्रोमीन लिए थे ना वैसे ब्रोमीन आपका निकल गया, ठीक है, समझ में आया। तो और यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट क्या था, यहाँ पे आपको देखिए ये जो रूल है किसके लिए है, एच बी आर के लिए, ये इसमें क्या लेते हैं किससे कराते, एच बी आर से ही आप लोग कराएंगे रिएक्शन, ठीक है, आपको एच एफ नहीं लेना है, एच सी एल नहीं लेना है, एच आई नहीं लेना है, ठीक है ना, ये सब नहीं लेना, बट ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ये किस क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, एच बी आर ही लेते हैं, आपको यही लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।